हेलो नमस्ते आदाब फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी जिसका नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। इस स्टोरी की आज हम रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। अ बॉय हैड अ ड्यूटी टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। एक लड़का था जिसकी ड्यूटी थी भेड़ के झुंड को देखना, उनकी रखवाली करना। लुक आफ्टर यानी ध्यान रखना या रखवाली करना। फ्लॉक मीन्स झुंड और शीप यानी भेड़। एक शीप को भी शीप कहते हैं और एक से ज़्यादा यानी शीप के झुंड को भी शीप ही कहते हैं, मतलब शीप का प्लूरल हुआ शीप। तो वो बॉय की ड्यूटी थी कि वो फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ की झुंड की रखवाली करे। वन डे ही स्टार्टेड शाउटिंग वुल्फ 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 फॉर द सोल पर्पस ऑफ फन। एक दिन वह चिल्लाना शुरू करता है। शाउटिंग यानी चिल्लाना, स्टार्टेड यानी शुरू करना। तो वह चिल्लाना शुरू करता है वुल्फ 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 यानी भेड़िया 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 फॉर द सोल पर्पस ऑफ फन। और वो ऐसा क्यों करता है? सिर्फ अपने फन के लिए यानी मज़े के लिए। सोल यानी खुद के, पर्पस यानी काम। तो खुद के मज़े के लिए वह वुल्फ वुल्फ चिल्लाता है। On hearing him, the villagers rush to his help. On hearing him, hearing यानि सुनना, उसकी wolf wolf की आवाज़ सुनकर, उसे सुनकर villagers rush करके आते हैं उसे help करने के लिए। Rush यानि दौड़ कर आते हैं उसकी help यानि मदद करने के लिए। Villagers यानि गांव वाले। तो उसे सुनकर जब वह चिल्लाता है तो गांव वाले दौड़ कर आते हैं उसकी मदद करने के लिए। They saw nothing but the boy. They यहाँ पर villagers के लिए use हो रहा है, गांव वालों के लिए use हो रहा है। गांव वालों ने कुछ नहीं देखा, saw याने देखना, nothing मतलब कुछ भी नहीं। गांव वालों ने कुछ भी नहीं देखा, बस लड़के को देखा, but the boy सिर्फ boy को देखा। Slowly it became his hobby and he started fooling the villagers. धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ये उसकी हॉबी बन गई यानि आदत बन गई। बिकेम यानि बन जाना। एंड ही स्टार्टेड फूलिंग द विलेजर्स। ही यहाँ पे बॉय के लिए यूज़ हो रहा है। उसने विलेजर्स को यानि गांव वालों को फूल करना यानि बुद्धू बनाना, बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया यानि शुरू कर दिया। One day when a wolf really came, nobody came and as a result the boy was killed. एक दिन जब सच में wolf आ गया, wolf यानि भेड़िया, really यानि सच में, जब सच में भेड़िया आ गया, nobody came, nobody मतलब कोई भी नहीं आया, and as a result और result के तौर पे यानि इसका परिणाम ये हुआ, the boy was किल्ड, जो बॉय था लड़का था वो मारा गया। किल्ड यानि मारा जाना। देर वॉज नो वन टू ब्लेम बट हिम। कोई नहीं था जिस पे ब्लेम किया जा सके। ब्लेम करना यानि इल्ज़ाम लगाना, लेकिन वो सिर्फ लड़का था, वो बॉय था। हिम यानि उस लड़के को बोला जा रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, नेवर लाई नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, नो मैटर, नो मैटर यानी चाहे कोई भी बात हो, कितना भी बैड सिचुएशन, बुरी स्थिति क्यों ना हो, सिचुएशन यानी परिस्थिति, कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।